हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं गोविंद और आज हम जानेंगे प्लास्टिसाइजर और लुब्रिकेंट्स के बारे में। प्लास्टिसाइजर क्या होता है और लुब्रिकेंट्स क्या होता है और ये प्लास्टिसाइजर क्यों यूज होता है पीवीसी मटेरियल में और फिर से लुब्रिकेंट्स क्यों यूज करते हैं हम पीवीसी के रेजिन में, तो इसका क्या काम है उसको आज अच्छे से इस वीडियो में जानेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है आपसे, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ओके दोस्तों, अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो प्लास्टिसाइजर का काम क्या होता है? प्लास्टिसाइजर का जो काम होता है या मटेरियल जो होता है, जो हमारा रेजिन होता है, जो रेजिन होता है हमारा पाउडर फार्म में, जिसको जब ये मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद से जब इसका प्रोडक्ट बनता है तो वो फ्लेक्सिबल होता है। और जैसे मान लीजिए एक पाइप बना है तो ये फ्लेक्सिबल है, ये थोड़ा सा मुड़ सकता है। ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है प्लास्टिसाइजर जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। और इसी के साथ में इसका जो प्रोसेस होकर जो हमारा पाइप बन रहा है उस एबिलिटी को और बढ़ाता है। ठीक है, होते हैं। और फिर से आप जानते हैं लुब्रिकेंट के बारे में। ठीक, इसको प्लास्टिसाइजर तो आपको पता चल गया अच्छे से कि ये क्या करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। प्लास्टिसाइजर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और साथ में प्रोसेस जो मटेरियल प्रोसेस होकर पाइप बनता है उसकी एबिलिटी को भी बढ़ाता है। ठीक, प्रोसेस करने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक, अब क्या है कि लुब्रिकेंट क्या होता है। लुब्रिकेंट एक क्या करता है, जो प्लास्टिक मटेरियल होता है उसका जो फ्रिक्शन लगता है, जैसे हमारा यह स्क्रू है, ठीक, यह स्क्रू है और ऊपर ये बैरल है। ठीक, तो ये जो रेजिन हमारे बीच में जा रहा है तो इसमें क्या होता है कि जो ये फ्रिक्शन पैदा होता है इधर से और फिर इधर से, ये जो फ्रिक्शन लगता है मटेरियल के ऊपर, रेजिन के ऊपर, इस फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है लुब्रिकेंट। आसानी से इसको स्लिप, जैसे नहीं बोलते हैं तो स्लिप कर जाता है, ऐसे ये स्लिप करवाता है। इसमें मतलब स्लिप करने का काम करता है, बिल्कुल ऐसे स्लिप नहीं हो जाता, लेकिन स्लिप करने का, जैसे इसको सरकने का, मतलब इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करने के लिए लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट। ठीक, ये इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। अगर हम इसका सही से यूज ना करें तो ये जो मटेरियल है यह डिग्रेड हो जाएगा, इसी बैरल में ही यह मटेरियल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यह लुब्रिकेंट्स जानना बहुत ही ज़रूरी था और ये प्लास्टिसाइजर्स भी, क्योंकि पीवीसी की कंपनी यह मैक्सिमम यूज होता है और ये आपको बिल्कुल जानना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएँ और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे प्लास्टिक से रिलेटेड हमेशा वीडियो आता ही रहता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।